एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मॉम्स फनी टीचिंग। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में शेयर करने वाले हूँ एलकेजी क्लास के बच्चों के लिए इंग्लिश की वर्कशीट। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट। तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे जो भी वीडियोज अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है मैच अपर केस लेटर्स टू लोअर केस लेटर। एक साइड अपर केस लेटर्स लिखे हुए हैं और एक साइड जो है लोअर केस यानी कि स्मॉल लेटर लिखे हुए हैं। अब इसमें जो है एलकेजी क्लास में बच्चे को कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर यानी कि अपर केस लेटर्स और लोअर केस लेटर्स दोनों सिखा दिए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है बी, बी से बी को मैच करना है, डी, डी से मैच हुआ, एफ, एफ मैच हुआ, जी, जी से मैच किया, पी, वेयर इज पी, यहाँ पे है पी, फिर एच, स्मॉल लेटर एच। इस तरीके से आप जो है बच्चे को लेटर आइडेंटिफिकेशन करना सिखा सकते हैं। इसमें बच्चे को लोअर केस अपर केस लेटर दोनों आराम से इजीली बच्चा करना सीख जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्कशीट है सर्कल द लोअर केस लेटर फॉर अपर केस लेटर। यहाँ पे क्या करना है, सर्कल करना है। यहाँ पे अपर केस लेटर दिया हुआ है, इसमें से इससे इसका जो लोअर केस लेटर है इसमें सर्कल करना है। तो ये लिखा है अभी, अब बच्चा इसमें जो लोअर केस के लेटर है उनको देखेगा, उसको रिकॉग्नाइज करेगा, उसके बाद उसको सर्कल करेगा। तो बी, इसमें क्या होगा, बच्चा हर लेटर को वो पढ़ेगा, एम, एन, के, फिर बी। ठीक है, तो उसको पता चलेगा कौन कौन सा लेटर है। तो यहाँ पे बी को वो सर्कल करेगा, एम, एम यहाँ पे है, एम, पी, हियर इज पी, सी है, सी ये है स्मॉल लेटर, ये है के, ये है के, एल, एल। इस तरीके से एल के जी क्लास में बच्चे को अपर केस लोअर केस का कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाता है और वर्कशीट बना करके बच्चे को सॉल्व कराया जाता है, सिखाया जाता है। नेक्स्ट है मैच द पिक्चर विद लेटर एंड कलर द पिक्चर। यहाँ पे कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों दिया है, पिक्चर दी हुई है, पिक्चर को कलर करना है और उसके बाद उस लेटर से उसको मैच करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है बी, तो बी से क्या होता है, बी का साउंड होता है बह, बह, बॉल, तो बी को बस बॉल से मैच करना है। सी का कैट, एफ फिश, के का काइट, ए एप्पल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्मॉल लेटर से भी इसको मैच करना है, ए से यहाँ पे एप्पल, बी बॉल, सी कैट, एफ फिश, के काइट। इस तरीके से करने के बाद उसके बाद इसको पिक्चर को कलर करने के लिए बच्चे को दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वर्कशीट है सर्कल द करेक्ट लेटर फॉर पिक्चर। यहाँ पे हमने पिक्चर ड्रॉ किया है, पिक्चर के नीचे कुछ मैंने रेंडमली ऐसे ही अल्फाबेट लिख दिए हैं। उस पिक्चर से कौन सा, उस पिक्चर का फर्स्ट लेटर यहाँ पे क्या होगा, तो ये क्या है, मैट, तो म, मैट, दिस इज एम, म, इसका साउंड क्या आता है, म, म, ये है कैट, क, कैट, ये क्या है, फिश, फ, फिश। जब भी बच्चे को आप अल्फाबेट सिखाएं, फोनिक साउंड जरूर सिखाएं। फोनिक साउंड से क्या होगा, बच्चे को हर चीज की स्पेलिंग नहीं पता होती है। अगर बच्चे को फोनिक साउंड पता है तो वो उसको पता चलेगा कि ये फिश है तो फ, फिश। ठीक है, इस तरीके से वो मैच करना सीख जाएगा। उसके बाद क्या है, एप्पल, ए, एप्पल, कप, क, कप, आइसक्रीम, आई, यहाँ पे आप कुछ भी यहाँ पे लिख दीजिए, उसके बाद इसको आई से आइसक्रीम होगा तो आई को वो सर्कल करेगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्कशीट है यहाँ पे देखिए पिक्चर्स, जितना आप छोटे बच्चों को पिक्चर्स के थ्रू आप सिखाएंगे तो बच्चे को इंटरेस्ट ज्यादा आएगा और बच्चा वो करेगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई एंड सर्कल ऑल सी कैपिटल लेटर सी एंड स्मॉल लेटर सी। इस पिक्चर के अंदर जितने भी कैपिटल लेटर के सी हैं और स्मॉल लेटर के सी हैं उसको सर्कल करना है। ठीक है, ये हो गया, यहाँ हो गया, ये हो गया, जहां जहां भी सी है उसको बच्चे को सर्कल करना है। सर्कल करने के बाद आप उसको कलरिंग के लिए भी दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्कशीट है कंप्लीट द अल्फाबेट। इसमें पूरे ए से जेड तक अल्फाबेट लिखे हुए हैं, उसमें से कुछ अल्फाबेट मैंने छोड़ दिए हैं। ठीक है, जो भी अल्फाबेट यहाँ पे छूटे हुए हैं उसको बच्चे को फिल करना है। इस तरीके से आप वर्कशीट बना करके बच्चे को अल्फाबेट ए से जेड तक स्मॉल लेटर सिखा सकते हैं, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, सॉरी, एच, आई, जे, के, एल,
एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। नेक्स्ट वर्कशीट देखिए, यहाँ पे लिखा राइट लोअर केस फॉर ईच लेटर। यहाँ पे मैंने पिक्चर ड्रॉ की है, पिक्चर में यहाँ पे मैंने कैपिटल लेटर में अल्फाबेट लिखे हुए हैं, हर एक अल्फाबेट के सामने उसका स्मॉल लेटर लिखना है, ठीक है। तो ए कैपिटल लेटर है तो स्मॉल लेटर ये इस तरीके से, बी का स्मॉल लेटर बी, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक है। उसके बाद आप इसको कलर करने के लिए बच्चे को दे सकते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट है ज्वाइन द अल्फाबेट्स फ्रॉम ए टू जेड। ए से जेड तक जो भी अल्फाबेट हैं इसमें रेंडमली दिए हुए हैं, उसमें सीक्वेंस में उसको मैच ज्वाइन करना है। तो ए है एस के बाद बी को, बी के बाद सी को, सी डी ई एफ जी जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर कहाँ है आर एस टी टी उसके बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देखिए ए से जेड तक पूरा यहाँ पे सीक्वेंस में बच्चे को मैच ज्वाइन करना है। नेक्स्ट वर्कशीट है सर्कल दी ऑड वन। जो भी इसमें ऑड है, यहाँ पे कैपिटल लेटर में मैंने अल्फाबेट लिखे हुए हैं, इसके आगे जो भी लेटर्स लिखे हुए हैं सारे कैपिटल में ही लिखे हैं, जो भी ऑड होगा उसको सर्कल करना है। ये है ऑड, इसमें ये ऑड है, ये ऑड है, देखिए इस तरीके से आप वर्कशीट बनाइए, बच्चा काफी इंटरेस्ट लेगा। कि आर और बी सिमिलर लग रहे हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा वो बच्चे को उसमें ध्यान देना पड़ेगा, जो इसका ऑड है उसको सर्कल करना है। यहाँ पे ये है ऑड, यहाँ पे ये ऑड है। नेक्स्ट वर्कशीट है राइट फर्स्ट लेटर ऑफ द पिक्चर। यहाँ पे पिक्चर मैंने ड्रॉ किया है, उसका फर्स्ट लेटर यहाँ पे लिखना है। अम्ब्रेला है तो यहाँ पे हो जाएगा यू, ट्री टी हो जाएगा, कैट सी का कैट, आइसक्रीम आई ई आइसक्रीम, एप्पल ए, बॉल बॉल, ड्रम ड्रम, डी काइट के फॉर काइट, एम फॉर मैंगो। नेक्स्ट वर्कशीट है राइट द मिसिंग अल्फाबेट। यहाँ पे जो भी अल्फाबेट मिसिंग है उसको यहाँ पे लिखना है, मिसिंग अल्फाबेट को लिखना है। तो यहाँ पे क्या नहीं है, बी। देखिए जैसे हम लोग मैथ्स में बिफोर आफ्टर का कॉन्सेप्ट सिखाते हैं बच्चों को, इस तरीके से आप इंग्लिश में भी दे सकते हैं, बी सी डी। यहाँ पे एफ है, जी एच, एल है, एम एन, अब यहाँ क्या होगा ओ पी क्यू, ए है यहाँ पे क्या नहीं है, बी नहीं है, फिर हो गया सी, यहाँ पे देखिए आर है, एस टी डब्ल्यू एक्स वाई, और यहाँ क्या होगा एल एम एन क्यू आर एस। देखिए वर्कशीट कितनी इंटरेस्टिंग है, इस तरीके से आप बच्चे को वर्कशीट बना के दीजिए, बच्चा काफी इंटरेस्ट लेगा, बहुत कुछ सीख जाएगा, ठीक है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।